ऑन द लाइन which इज़ एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एज द ओरिजिन इज सो बेसिकली हमसे क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक प्लेन है राइट right? ये कोई भी प्लेन है मेरा इससे इस पॉइंट से, इस से ये 90 डिग्री है ये ओरिजिन है मेरा ये 90 डिग्री है तो हमें ये पॉइंट पी बताना है प्लस इस पॉइंट से इस पॉइंट का यानी कि पी डैश एक पॉइंट बनेगा जिसका जो डिस्टेंस यहाँ से अगर डी है तो यहाँ से भी डी ही होगा तो ये डिस्टेंस कितना होगा वो हमको बताना है तो हमने एक चीज़ थेरी में पढ़ी है कि फुट ये एक्चुअली हमारा क्या बन गया कि ये जो प्लेन है ये मेरा मिरर बनेगा इस ओ पॉइंट का फ्रॉम दिस प्लेन जहाँ पर पी डैश बने तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए फार्मूला हो जाता है

सॉरी माइनस का आएगा ये ये हो जाता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर और मिरर इमेज के लिए फॉर्मूला क्या हो जाता है मिरर इमेज के लिए फॉर्मूला हमारा बन जाएगा मिरर इमेज के लिए फॉर्मूला बन जाएगा x माइनस एक्स वन बाय ए इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन बाई बी इक्वल टू जेड माइनस जेड वन बाई सी इक्वल टू माइनस ऑफ टू टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन राइट प्लस सी जेड वन डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ए एक्स वन स्क्र प्लस सॉरी ए स्क्वेयर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्र प्लस सी स्क्वेयर एंड यहाँ पर भी प्लस डी आएगा वो पूरा एक्सुअल इक्वेशन ही होती है ये प्लस डी भी हो जाएगा जहाँ पर हमारी जो जनरल इक्वेशन है वो है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो ये हमारी क्या है प्लेन की क्वेश्चन है तो अब हमारा पॉइंट क्या है ज़ीरो कॉमा जीरो जीरो तो एक्स वन वाई वन और जेड वन दोनों ज़ीरो हो जाएंगे तो एक्स बाय ए हमारा प्लेन है एक्चुअली प्लेन है थ्री एक्स प्लस फोर वाई माइनस सिक्स जेड प्लस वन ये हमारा प्लेन है तो एक्स बाय थ्री इजिक्वल टू वाई बाय फोर इजिक्वल टू जेड बाय माइनस सिक्स इजिक्वल टू जीरो 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 पुट किया तो माइनस वन अपॉन रूट ऑफ थ्री स्क्वायर मतलब फोर फोर स्क्वायर मतलब सिक्सटीन प्लस सिक्स स्क्वायर मतलब थर्टी सिक्स राइट तो ये मेरा क्या बन जाता है एक्स बाय थ्री इजिक्वल टू वाई बाय फोर इजिक्वल टू जेड बाय माइनस सिक्स इजक्ल टू माइनस वन बाई ट्वेंटी फाइव प्लस थर्टी सिक्स मतलब सिक्सटी वन रूट सिक्सटी वन तो x की वैल्यू क्या आ जाती है यानी कि p पॉइंट p पॉइंट का x1 क्या जाता 61, आ जाता है मेरा माइनस थ्री अपॉन रूट सिक्सटी वन वाई वन आ जाता है मेरा माइनस फोर अपॉन रूट सिक्सटी वन और z1 आ जाता है मेरा सिक्स अपॉन रूट सिक्सटी वन सिमिलरली अब मेरे को अगर p डैश निकालना है तो ये हो जाएगा x बाय थ्री वाई बाय फोर जेड बाय माइनस सिक्स इज इक्वल टू माइनस टू बाय रूट सिक्सटी वन तो अब P- डैश के पॉइंट्स क्या आ जाएंगे एक्स टू आ जाएगा कितना माइनस सिक्स बाय रूट सिक्सटी वन सिंपली इन दोनों को इक्वेट कर देना है और मेरा Y2 क्या आ जाएगा माइनस एट बाय रूट सिक्सटी वन एंड Z2 आ जाएगा ट्वेल्व बाय रूट सिक्सटी वन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो क्लास सिक्स टू से लेके नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेटअ या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर